अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग में आप बैक ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर आप सभी पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये टॉप डाउन पार्सर किस तरीके से वर्क करता है, ये एस से स्टार्ट करेगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको सिंबल ए के लिए, देखिए आपको क्या चाहिए, आपको सिंबल ए के लिए इसको क्रिएट करना है। तो सिंबल ए के लिए देखिए आप ये वाला प्रोडक्शन चूज करेंगे, ठीक है ना। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी को ले रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल डी, ठीक है ना। देखिए इनपुट सिंबल ए के लिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी को ले रहे हैं, तो ये स्मॉल ए हमें मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल है मेरा स्मॉल डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, अब चूंकि ये एलएमडी का यूज करता है, ये आपका एक एलएमडी का यूज करता है, तो ये मुझे मिल जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए पर मैं प्रोडक्शन लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब कैपिटल ए पर फिर से दो पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी स्मॉल बी लगाया, तो स्मॉल बी लगाते ही ये मेरा मिसमैच कर जाएगा, यहाँ पर बी है यहाँ पर डी है, तो मिसमैच कर जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैक ट्रैक करूंगा, बैक ट्रैक करके दूसरी पॉसिबिलिटी को कवर करूँगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी मेरा है सी, सेकंड पॉसिबिलिटी है मेरा सी, तो फिर मैं यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी को अप्लाई करूंगा और यहां पर ए एरो सी को पुट करूंगा। तो अगर मैं यहां पर ए एरो सी को पुट करता हूं, तो फिर अगेन मेरा यहां पर मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना, अगेन मेरा यहां पर मिसमैच हो जाएगा। तो मैं यहां पर ही बोल सकता हूं कि मुझे ये स्ट्रिंग इस पास ट्री से नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो फिर मैं बैक ट्रैक करूंगा और मेरा यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा मिसमैच हो जाएगा। तो मैं बैक ट्रैक जाऊँगा, बैक ट्रैक जा करके ये सेकंड पॉसिबिलिटी को यहाँ पर कवर करूँगा। तो मेरा सेकंड पॉसिबिलिटी हो जाएगा कैपिटल ए डी, सेकंड पॉसिबिलिटी है ए एरो सी। अगेन आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है, तो आपका फिर से मिसमैच हो गया है। तो फिर से मैं बैक ट्रैक जा करके पॉसिबिलिटी को कवर करूंगा, ठीक है ना, रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज को कवर करूंगा। तो देखिए यहां पर मैंने सारी पॉसिबिलिटी कवर कर ली है, ए के लिए मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, वो दोनों ही पॉसिबिलिटी मैं यहां पर कवर कर चुका हूं। तो अब मैं बैक ट्रैक होकर के इस ए की एस के लिए जो आपका सेकंड पॉसिबिलिटी थी उसको कवर करूंगा। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी मैं ले रहा हूं, स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है ना। तो देखिए फिर से ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, पार्ट थ्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, टॉप से स्टार्ट हो रहा है। और ये मान लीजिए मैं एलएमडी लिख रहा हूं, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब देखिए स्मॉल ए आपका मैच हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या है, चूंकि ये आपका एलएमडी पर वर्क करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा आपका कैपिटल बी, ठीक है ना। यानी अब बी के लिए मैं प्रोडक्शन यहाँ पर चूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका स्मॉल है आपका मैच हो चुका है, नेक्स्ट सिंबल है आपका स्मॉल डी। अब देखिए बी के लिए मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर चूज करनी है। अब अगेन बी के लिए मेरे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं सी सी डी यूज कर सकता हूँ या डी डी सी यूज कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी को कवर कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है मेरा सी सी डी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है, तो ये मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से बैक ट्रैक जाऊँगा, बैक ट्रैक जा करके फिर दूसरी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर कवर करूँगा, एरो डी डी सी को आप कवर करेंगे। तो फिर इसके लिए आपका पार्स ट्री बन जाएगा एस एरो ए बी डी डी सी, ठीक है ना। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आपका ये ए से ए पहले मैच हो चुका था, अब आपका ये डी भी मैच हो चुका है, ये जो आपका सेकंड डी है ये भी आपका मैच हो जाएगा और आपका ये सेकंड सी भी मैच हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एलएमडी क्या हो जाएगा, इसका एलएमडी हो जाएगा बी को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर डी डी सी से, तो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा ए डी डी सी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग हमने ड्राइव की है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो टॉप डाउन पार्सर है ये आपका सभी पॉसिबिलिटीज को कवर कर रहा है। यानी ये जो किस मेथड पर वर्क कर रहा है, ये आपका ब्रूट फोर्स मेथड पर वर्क करता है, ठीक है ना। ब्रूट फोर्स मेथड पर वर्क करेगा और सभी पॉसिबिलिटी को कवर करेगा। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रिंग को ड्राइव करता है, ठीक है ना। अब जो एल वन पार्सर है, एल वन पार्सर में आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एल वन पार्सर में आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, इसीलिए आपका एल वन पार्सर को हम प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। और वो आपका नॉन रिकर्सिव पार्सर है, जिसमें कि हम रिकर्शन का यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर इंटरनली स्टेक को लेना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस किया है टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये ब्रूट फोर्स मेथड पर आपका वर्क करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी सारी पॉसिबिलिटी को कवर कर रहा है, ठीक है ना।
तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी को ये कवर करता है। अगर मान लीजिए आपका मिसमैच हो जा रहा है, ठीक है ना, आपकी स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो पा रही है, अगर मिसमैच होता है तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी को ट्राई करता है, ठीक है ना। तो एक एक करके आपका सारी पॉसिबिलिटी को कवर करता है, तो कवरिंग ऑल पॉसिबिलिटी अनटिल यू गेट द करेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में ये बैक ट्रैक करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बैक ट्रैक करेगा तो उसमें इसका बहुत सारा टाइम बेकार चला जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इट विल टेक सो मच टाइम इन बैक ट्रैकिंग टू प्रिडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्शन, ठीक। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि क्योंकि आप यहाँ पर बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं तो इसमें डीबगिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डीबगिंग यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट है।